बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी, मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो मिफ्ताही चैनल से है और आज का पार्ट है पार्ट 68 और वीडियो का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए। तो आप लोग मिफ्ताही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इनके चैनल का लिंक वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 68। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 68वां हिस्सा यानी पार्ट 68 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 67 में क्या सुना। हमने सुना कि कुरैशियों ने सुलह हुदैबिया के बाद गद्दारी की, जंग बंदी के बाद भी उन्होंने बनू खुजा के लोगों को कत्ल किया जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए, फिर अल्लाह के हुक्म से मक्का फतह करने का इरादा कर लिया और सन 8 हिजरी में 10,000 का लश्कर लेकर आप मक्का की तरफ रवाना हुए। ये तैयारी आपने बड़ी खामोशी के साथ की थी और अल्लाह से दुआ भी की थी कि या अल्लाह दुश्मनों के जासूसों को गूंगा और बहरा कर दे, और अल्लाह तबारक व ताला ने दुआ को कबूल भी फरमाया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और ये जबरदस्त लश्कर मक्का फतह करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुआ। जगह जगह पड़ाव डालता हुआ ये आखिर मर जहरान तक पहुंच गया। चलिए आगे सुनते हैं। अगला पड़ाव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरज़हरान पर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से चलते हुए अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि ये अल्लाह कुरैशियों के जासूसों को अंधा और बहरा बना दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल भी हो गई थी और कुरैशियों को मुसलमानों के मुतालिक कोई खबर भी नहीं मिली। यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब मरज़हरान तक पहुँच गए। कुरैशियों ने चूंकि मुआहिदा तोड़ दिया था इसलिए उन्हें हमेशा ये धड़का लगा रहता था कि कहीं मुसलमान मक्के पर हमला ना कर दे। इसलिए अब अबू सुफियान बिन हर्ब, बुदैल बिन वरका और हकीम बिन हिजाम ने इरादा किया कि हम खुद ही मक्का से थोड़ा दूर जाकर कुछ पता लगाते हैं कि लश्कर आया है या नहीं। ये तीनों मक्का से चलकर जब मरज़हरान के करीब पहुंचे तो अचानक उन्हें एक जबरदस्त लश्कर नजर आया। चूंकि ये रात का वक्त था इसलिए जहां तक नजर पहुंचती थी आग जलती हुई नजर आती थी, क्योंकि हर शख्स ने अपने खीमे के सामने आग जला रखी थी। ये देखकर अबू सुफियान घबरा गए। उन्होंने बुदैल से पूछा कि ये कौन लोग हैं बुदैल? बुदैल ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बनू खुजा के लोग हैं। मगर अबू सुफियान ने कहा कि बनू खुजा के पास इतना बड़ा लश्कर कैसे हो सकता है? इत्तेफाक से इनकी बातें ही चल रही थी तो करीब ही में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला भी घूम रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान की आवाज सुनी तो वो पहचान गए कि ये अबू सुफियान की ही आवाज है। वो अबू सुफियान के पास गए और उनसे कहा कि अबू सुफियान, तुम पर अफसोस है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है। ये सुनकर अबू सुफियान बड़े घबरा गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला के पास आकर पूछने लगे कि अब हमारे बचाव का क्या तरीका हो सकता है, हम किस तरह अपना बचाव करें? हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, खुदा की कसम अगर हुजूर को तुम पर फतह हासिल हो गई वो तुम्हारी गर्दन जरूर मार देंगे, इसलिए तुम एक काम करो, मेरे खच्चर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह के पास लेकर चलता हूं ताकि तुम्हारे वास्ते अमान ले सकूं। अबू सुफियान फौरन तैयार हो गए और हजरत अब्बास के खच्चर पर बैठ गए। हजरत अब्बास अबू सुफियान को अपने खच्चर पर बिठाकर पूरा लश्कर दिखाते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलने लगे। जब ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के खेमे के पास से गुजर रहे थे तो हजरत उमर ने अबू सुफियान को पहचान लिया। फौरन नंगी तलवार लेकर वो अबू सुफियान के पीछे दौड़े, मगर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने अपने खच्चर को तेजी से भगाया और जल्दी से अबू सुफियान को लेकर हुजूर के पास पहुंच गए। पीछे पीछे नंगी तलवार लेकर हजरत उमर भी पहुंच गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये अबू सुफियान है,
अल्लाह ताला ने इसे बगैर किसी मुआहदे के पकड़वा दिया है, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अभी इसकी गर्दन मार दूं। मगर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उमर, मैंने इसको पना दी हुई है तो तुम इसे मत मारो। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से फरमाया कि अब्बास, अभी एक काम करो कि अभी तुम अबू सुफियान को अपने खीमे में लेकर जाओ और सुबह मेरे पास लेकर आना। चूंकि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने अबू सुफियान को पना दे दी थी, इसलिए वो उन्हें अपने खीमे में लेकर गए और उन्हें सुबह तक वही रखा। और दूसरे हकीम बिन हिजाम और बुदैल बिन वरका उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन दोनों ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। हालांकि वो लोग ये देखने के लिए आए थे कि क्योंकि उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया था, इसलिए सिर्फ वो देखने आए थे कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आ तो नहीं गया है। लेकिन जब इतना जबरदस्त लश्कर देखा, उनकी हिम्मतें पस्त हो गई। उनमें से दो लोगों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, यानी बुदैल बिन वरका और हकीम बिन हिजाम। इन दोनों ने लश्कर को देखकर और इतने हैबत में आ गए, इतने मुतासिर हो गए कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और ईमान को कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। बहरहाल हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अबू सुफियान को लेकर सुबह में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को देखकर फरमाया कि तुझ पर अफसोस है अबू सुफियान, क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि तू शहादत दे दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? अबू सुफियान ने कहा कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, आप बहुत रहम दिल हो और रिश्तेदारों का ख्याल रखने वाले हो। मैं भी यही सोच रहा हूं कि अगर खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक होता तो इस वक्त वो मुझे जरूर बचाता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अफसोस है अबू सुफियान, क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि तू समझ ले कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? अबू सुफियान ने कहा कि आप वाकई बहुत रहम दिल है, मैं आपका दुश्मन हूं मगर फिर भी आप मेरे साथ बड़ा अच्छा मामला फरमा रहे हैं, आप मेरे से अच्छी बात कर रहे हैं। आखिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने अबू सुफियान को समझाया बुझाया तो अबू सुफियान उसी वक्त सच्चे दिल से मुसलमान हो गए रजी अल्लाह तआला। उसके बाद हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान चूंकि सरदार है, वो फख्र को पसंद करता है, इसलिए उसके साथ कोई खास रियायत फरमा दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास की वो सिफारिश मंजूर फरमाई और फरमाया कि हाँ, ये ऐलान करा दो कि जो आदमी अबू सुफियान के घर में घुस जाए उसको अमान है और जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर ले उसको भी अमान है और जो हरम में दाखिल हो जाए उसको भी अमान है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजहरान से मक्का के लिए रवाना होने लगे तो आपने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला से फरमाया कि अबू सुफियान को ले जाकर किसी ऊंची जगह पर खड़े हो जाओ ताकि वो खुदा का ये लश्कर देख सके। चुनांचे हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला को लेकर एक टीले पर खड़े हो गए। अब मैं अबू सुफियान से पहले हजरत भी लगा रहा हूं और बाद में रजी अल्लाह तआला भी लगा रहा हूं, क्योंकि अब उन्होंने ईमान को कबूल कर लिया था और अब वो सहाबी बन गए थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला को लेकर एक टीले पर खड़े हो गए जहां से मुसलमानों का अजीम शान लश्कर नजर आ रहा था और टुकड़ों टुकड़ों में हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला के सामने से गुजरने लगा। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला ने यह देखकर हैरत में पड़ गए और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला से कहा, खुदा की कसम अबुल फजल, तुम्हारे भतीजे का मुल्क तो बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद हजरत अबू सुफियान मक्का के लिए रवाना हुए। मक्का पहुंचते ही हजरत अबू सुफियान ने चीख चीख कर लोगों से यह कहना शुरू किया कि ऐ कुरैश के लोगों, मोहम्मद एक ऐसा लश्कर लेकर आ गए हैं जिससे तुम आज किसी भी तरीके से बच नहीं सकते, इसलिए आज जो मेरे घर में घुस जाएगा उसे अमान है। यह सुनकर हजरत अबू सुफियान की बीवी हिंदा गुस्से से बिफर गई। उसने एकदम आकर आगे बढ़कर हजरत अबू सुफियान की मूछे पकड़कर खींची और लोगों से कहने लगी कि लोगों, इस बेवकूफ बुड्ढे को पकड़कर कत्ल कर दो, ये पागल हो गया है। फिर हजरत अबू सुफियान से कहने लगी, क्या तुम हमारे लिए लड़ोगे नहीं?
क्या तुम अपना वतन नहीं बचा पाओगे? हजरत अबू सुफियान ने हिंदा से कहा कि खामोश हो जाओ पागल बुढ़िया। फिर लोगों से कहा कि अब इन सारी बातों से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आज तुम नहीं बच सकते। आज तो जो अबू सुफियान के घर में घुस जाएगा उसे अमान मिलेगी। तो इस पर कुरैश हजरत अबू सुफियान पर बिगड़ गए और कहने लगे कि अबू सुफियान, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए तुम्हारे घर में कितने लोग बैठेंगे? क्या सारा मक्का तुम्हारे घर में बैठ जाएगा? तब हजरत अबू सुफियान ने फरमाया कि जो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा, आज उसको भी अमान दे दी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो बैतुल्ला में घुस जाएगा उसे भी अमान है। यह सुनकर लोग वहां से भागे और अपने अपने घरों में घुस गए, और कुछ लोगों ने बैतुल्ला में जाकर यानी हरम में जाकर पनाह ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होने लगे तो आपने लश्कर के कुछ हिस्से किए। एक दस्ते की कमान हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में थी। आपने उनको हिदायत की कि वो नशीबी हिस्से से यानी निचले हिस्से से मक्का में दाखिल हो। इसी तरह और एक दस्ते को हिदायत की कि वो ऊपरी हिस्से से दाखिल हो। साथ ही मुसलमानों को यह हिदायत भी की कि वो किसी को कत्ल न करें। अगर कोई खुद से लड़ने के लिए आए या कोई हमला करे तो सिर्फ उनसे मुकाबला करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बालाई हिस्से से मक्का में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के इस फजल व करम का शुक्र अदा किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बादशाहों की तरह दाखिल नहीं हुए, बल्कि आप मक्का में दाखिल हुए तो इस तरह के खुदा के सामने सर झुका हुआ था, और आप ऊंट पर बैठे बैठे इतने झुके हुए थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक ऊंट के कजावे से यानी ऊंट के कजावे को छू रही थी। उस वक्त आप सूरह फतह की तिलावत फरमा रहे थे। मक्का में दाखिल होने से पहले सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया था कि आप कहां पर ठहरेंगे, तो आपने फरमाया था कि शैब अबी तालिब में। ये वही घाटी थी जहां कुरैश ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक कैद रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आप सीधे उम्मे हानी के मकान पर तशरीफ ले गए। वहां आपने 8 रकात शुक्रानी की नमाज पढ़ी। हजरत उम्मे हानी के घर में 2 कुरैशियों ने आकर पनाह ले ली थी। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला को मालूम हुआ तो आपने दोनों को कत्ल करना चाहा। जब आप उम्मे हानी के घर आए तो उम्मे हानी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने 2 आदमी को पनाह दी हुई है और अली उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको उम्मे हानी ने पनाह दी है अली को चाहिए कि वो भी पनाह दे, उन्हें न मारे। नमाज से फारिग होकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर से चले और शैब अबी तालिब में जाकर ठहरे, जहां सहाबा इकराम ने आपका खेमा लगा दिया था। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला जब मक्का में नशीबी इलाके से दाखिल होने लगे थे तो कुछ कुरैशियों ने आप पर हमला कर दिया था, तो हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला ने अपने बचाव के लिए उनसे मुकाबला करना पड़ा। इस लड़ाई में 2 मुसलमान शहीद हो गए और 10-15 मुशरिक मारे गए। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया कि खालिद, ये क्या हो रहा है? तब हजरत खालिद ने बतलाया कि लड़ाई की पहल या रसूलल्लाह उधर से हुई थी, इसलिए मजबूरी में लड़ना पड़ा। बहरहाल जब मक्का में अमन अमान कायम हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में तशरीफ लाए। आप अपनी ऊँटनी पर बैठे बैठे ही आपने तवाफ फरमाया। फिर हजरत उस्मान बिन तलहा को बुलाया, उनसे काबे की चाबियां ली। आप कुरान पाक की ये आयत पढ़ते जाते थे कि कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, ये पढ़ते जाते थे और उन बुतों की तरफ छड़ी घुमाते जाते थे और बुत जमीन पर गिरते जाते थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अल्लाह के घर को बुतों से पाक किया। उसके बाद आप काबे के दरवाजे के पास आकर खड़े हुए तो देखा कि सारा हरम लोगों से भरा हुआ है। उनमें वो मुशरिक भी थे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे और आपको तरह तरह की तकलीफें हमेशा पहुंचाया करते थे। वो सारे के सारे खड़े अपने फैसला सुनने का इंतजार कर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के दरवाजे में खड़े होकर आपने खुतबा दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
उसका कोई शरीक नहीं। उसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, उसने अपने बंदों की मदद की और उस एक अकेले ने सब दुश्मनों की जमात को शिकस्त दे दी। चूंकि कुरैश में अपनी बढ़ाइयां बयान करने की आदत पहले से चली आ रही थी, वो अपने बाप दादाओं पर और खानदानों पर फख्र किया करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदत को भी खत्म करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ऐ कुरैशियो, अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिलियत के जमाने की बुराइयों और बाप दादा पर फख्र करने को बातिल और झूठ करार दिया है। याद रखो, हम सब लोग एक आदम की औलाद हैं और मिट्टी से बने हुए हैं। फिर आपने वो आयत पढ़कर सुनाई कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उनसा, कि ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द औरत से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ खानदानों में बनाया ताकि तुम एक दूसरे की शनाख्त कर सको। अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक तुम में बड़ा शरीफ वही है जो परहेजगार है। अल्लाह खूब जानने वाला और परहेजगार है। फिर आपने कुरैशियों से फरमाया कि कुरैशियों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूंगा, यह तुम्हारे मुतालिक मैं क्या फैसला करूंगा। हालांकि कुरैशी उस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए थे, वो समझते थे कि अब मोहम्मद हमारे कत्ल का फैसला सुनाएंगे, मगर उन्होंने जवाब दिया कि आपसे हमें भलाई की उम्मीद है, आप एक शरीफ भाई है और शरीफ भाई के बेटे हैं। आपने उनसे कहा कि मैं तुमसे वही कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम पर कोई गुस्सा नहीं, कोई इताब नहीं, जाओ तुम आजाद हो। ये अल्फाज सुनकर सारे मजमे पर सन्नाटा छा गया। कुरैश हैरत से देख रहे थे कि हुजूर ने उनको माफ कर दिया जबकि वो अपने कत्ल का ऐलान सुनने आए थे। बहरहाल उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला में ही थे और जोहर का वक्त हो गया। आपके साथ हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला भी थे। आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला को अजान देने का हुक्म दिया। उसी वक्त हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने अजान दी और सबने जोहर की नमाज अदा की और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को इज्जत दी और अपने नबी के हाथों मक्का को फतह कराया और इस जबरदस्त फतह पर मुसलमान बेहद खुश थे और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहे थे। मगर अंसारी मुसलमान भी अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश थे, मगर साथ ही उन्हें यह फिक्र भी हो रही थी कि अब तो मक्का फतह हो गया है, अब कहीं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही मुस्तकिल कयाम न कर ले, क्योंकि अंसारी मुसलमान इस बात पर फख्र किया करते थे और अपनी किस्मत पर नाज किया करते थे कि रसूल अल्लाह ने मदीना को ये इज्जत बख्शी है और अब मदीना रसूल अल्लाह का शहर बन गया था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो सफा पहाड़ी पर जाकर बैठ गए, वहां तशरीफ ले गए जहां चारों तरफ मुसलमानों का मजमा था। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को अंसारी सहाबा की इस फिक्र की इत्तला दी। आपने अंसारियों को तसल्ली दी और फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है और तुम्हारी मौत मेरी मौत है। इस बात को सुनकर अंसारियों को इत्मीनान हो गया। बहरहाल दुआ से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर बैठकर आपने मुसलमान मर्द औरतों से बैत ली। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सुफियान और हिंदा से भी बैत ली। हिंदा वही औरत थी जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा का कलेजा चबाया था। फतेह मक्का के वक्त ये दोनों मियां बीवी मुसलमान हो गए थे। फिर एक वाकया और हुआ। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में बैठे हुए थे, उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अपने वालिद अपने अब्बा अबू कहाफा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। अबू कहाफा इतने बूढ़े हो गए थे कि उनकी भवे भी सफेद हो गई थी और आंखों से नजर भी नहीं आ रहा था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो फरमाया कि अबू बकर, तुमने उनको क्यों तकलीफ दी, मैं खुद उनके पास चला जाता। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सामने बिठाकर उनके सीने पर हाथ फेरा और फरमाया कि अबू कहाफा, इस्लाम कबूल कर लो। अबू कहाफा ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, उसी वक्त मुसलमान हो गए। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरदस्त इज्जत और फतेह के साथ वापस अपने वतन में वापस लौट आए और अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का को कुफ्र और शिर्क की गंदगियों से मक्का को पाक कर दिया।
आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 69वें हिस्से में हम आगे के वाकयात यानी गज़वे हुनैन के वाकयात सुनेंगे। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमारे हौसलों को बढ़ाते रहें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। हाँ जी, गज़वाए हुनैन, ये नया वर्ड सुना हमने, तो आने वाले 69 पार्ट में इसके बारे में जिक्र होगा। ये क्या है, तो मतलब और भी जंगे होंगे? हाँ, जंगे तो फिर जंगे तो बहुत चलती रहेगी। तो वो भी तो बहुत, करबला का वाक्य भी है जो हम यहाँ तक नहीं किया, तो वो भी बचा हुआ है। हम सोच रहे थे कि इसमें आ जाएगा, बट वो काफी बात का है, मे भी इसमें नहीं कवर हो पाएगा। इसकी वजह से ही हमने वो अभी तक किया नहीं है ना, बट कोई नहीं, जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तब हम लास्ट में करबला का वाक्य, क्योंकि इसमें काफी नए नए लोग आ गए, हमें इतना नहीं पता जो नए नए लोग हैं अभी तक। जो जो लोग आ रहे हैं, जो जो नाम आ रहे हैं, वो हमें पता लग ही जा रहे हैं धीरे धीरे कि कौन क्या था। हाँ, तो जिसका स्टार्टिंग से इंतजार था ना हमें पार्ट वन का, पार्ट वन से, वो जाके अब पार्ट 68 पे जाके कंप्लीट हो गया कि हुजूर ने एक तरह से मक्का फतह कर लिया और बिना लड़ाई के हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, बिना लड़ाई, लड़ाई बस वो ही कि हजरत खालिद वलीद का जो लश्कर आ रहा था नीचे से, उनके साथ थोड़ी लड़ाई हुई जिसमें से 9 या 10 कुरेश मारे गए और 2 मुसलमान मारे गए। तो ये ना होने के बराबर है, जो बड़े स्केल पे वो लोग होती है उसके मुकाबले कुछ नहीं आई। तो लड़ाई नहीं हुई उस हिसाब से ना, तो बिना जंग हुए मक्का फतह हो गया एक तरह से। मतलब ये कि 10,000 का लश्कर देखा ना जब अबू सुफियान ने, तो फिर आंखें खुली खुली रह गई उनकी, और फिर उनको सहारा दिया उस टाइम हजरत अबू करके कोई नाम था, उन्होंने उनको सहारा दिया और रसूल अल्लाह के पास ले गए वो, और उन्होंने उस टाइम इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान बन गए, तो उनकी जान बच गई। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मक्का जाके ऐलान कर दिया कि जो जो भी मेरे घर पे होगा वो बच जाएगा, और जो मक्का में होगा वो बच जाएगा, जो जो अपने घरों में होगा और घरों का डोर बंद होगा तो वो भी बच जाएगा। मतलब जो लड़ाई की भावना से नहीं जाएगा ना, वो इनफैक्ट बच जाएगा। तो हुजूर जब आ रहे थे तो एक लश्कर नीचे से, एक लश्कर ऊपर से और एक अलग से, तो हर कहीं से भी मक्का में दाखिल हुए और एक तरह से मक्का फतेह हो गया। हाँ, तो वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे थे कि ऊँट पे ही बैठ के उन्होंने उमरा किया था ना, और जो बाकी जो बुत रखे हुए थे वो सब गिराए थे। वो मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे गिरा, मतलब वो कह रहे थे कि उन्होंने छड़ी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताऊं क्या किया था, कुरान की कुछ आयतें पढ़ी पड़ी थी और छड़ी उनके पास थी, टच नहीं करी छड़ी, उनके आसपास घुमाते रहे और वो आयतें पढ़ते गए तो भूत अपने आप गिरते गए। ऐसा कुछ हुआ थी, यही समझ नहीं आई थी मुझे कि वो टच करके उन्होंने खुद गिराई या वो आयतों से टूट गिर रहे थे वो। और एक चीज़ मेरे को अब थोड़ा सा मेरे को हल्के लग रहा है, क्लियर हो गया कि ना रसूल अल्लाह, मेरे को लगता है मक्का में नहीं रहेंगे, मदीना में ही जाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह ने जब वही नाजिल करी उन पर और बोला कि अंसारी, जो अंसारी हैं मदीना के, उनको ये डर बैठ गया कि कहीं रसूल अल्लाह, क्योंकि उनका असली जो शहर था मक्का ही था, तो कहीं अब मक्का फतह कर लिया तो कहीं अब वो मक्का में ही नहीं रहे। और वो घमंड करते थे, प्राइड करते थे कि रसूल अल्लाह हमारे शहर में रहते हैं, मदीना में रहते हैं, तो इस चीज़ का वो प्राइड करते थे। तो दिल में उनके ये था कि रसूल अल्लाह हमारे साथ मदीना ही चले। तो अब मेरे को फिर रसूल अल्लाह ने उनको बोल भी दिया कि भाई मेरी जान में तुम्हारी जान, तुम्हारी जान में मेरी जान, ऐसा कुछ उनको बोला था। तो मेरे को लगता है इन फ्यूचर भी रसूलुल्लाह जो है मदीना में ही रहेंगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है सुन के। बाकी और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए था ऐसा, वैसे तो अब हो चुका सब, लेकिन अगर मेरी तरफ से सोचो तो वहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे थे ना, तो मदीना के लोग इतने ज़्यादा खुश हुए थे कि वो ऊपर चढ़ चढ़ के उनको वेट कर रहे थे कि देखें अब कि अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है, और जैसे ही वो आए थे तो कितने अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। एक ये भी है कि जब मुसीबत थी, जब मक्का के लोग कुरेश जब ऐसा व्यवहार कर रहे थे, ऐसा बिहेव कर रहे थे, तो उस टाइम उन लोगों ने ही सहारा दिया था एक तरह से। तो
फिर ठीक है वहाँ जाना बेस्ट है। अब बाकी आगे के पार्ट में 69 या 70 या 71 में हमें आइडिया हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा पता लगेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस, काफ़ी कुछ नॉलेज मिली है सीरीज से और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें, और यकीन नहीं हो रहा हम पार्ट 68 तक हमने कर लिया। अब सिर्फ 6-7 पार्ट बचे हैं बस, 7 पार्ट वो भी अब ख़त्म हो जाएंगे। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन हो रही है इससे, मतलब वाकई में नॉलेज गेन हो रही है। तो चलते हैं गाइस, मिफ्ताही चैनल को आप कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इनके चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।